सो आज संडे हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस थोड़ा बहुत फोटोशूट वगैरह किया जो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर बस अभी वॉक करने निकले हैं, मौसम बहुत अच्छा है। कल यहाँ दिन भर बारिश थी तो यू नो ज़्यादा कुछ बाहर आ ही नहीं पाते अगर दिन भर बारिश होती है तो। बट अभी ज़्यादा बारिश नहीं है, मौसम भी बहुत प्यारा है तो हम लोग वॉक कर रहे हैं। बहुत मोटी हो गई हूँ मैं पहले से। मैं कितनी मोटी हो गई ना थोड़ा सा। पीछे से एक छोटा सा गाय का बच्चू आ रहा है। बिल्ली मोरा में पता नहीं बहुत सारे गाय और उनके बछड़े। ये देखो रिसेंटली यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था गाइज। एक आंटी है वो गिर गई थी बारिश में, यू नो बहुत स्लिपरी हो जाता है सब कुछ। तो मैंने तो तुरंत अपनी मम्मी और मदर इन लॉ दोनों को कॉल करके बोला था कि आप लोग संभाल के चलना। पर इसका एक गेस एज और ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। हम कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं तो जस्ट बी केयरफुल स्पेशली इन रेनी टाइम्स। बहुत ज़ोर से उनको लगा है एंड आई विल बी प्रेइंग फॉर हर। यू गाइज ऑल्सो प्रे फॉर हर टू गेट वेल सून। एंड वही है, ध्यान से चलो। बारिश के अपने मज़े भी हैं और अपने नुकसान भी, तो कीड़े मकोड़ों से बचो, ध्यान से चलो, गिरना नहीं। बारिश का सीज़न रोवर का फेवरेट होता है क्योंकि बहुत सारे घास उग जाती है। और क्योंकि मेरा बच्चा गाय है बहुत सारा घास खाता है। देखो इतना पसंद है ना इसे घास खाना, क्या बताऊँ। सो व्हाट आई हैव लर्नड कि ये लोग घास इसलिए खाते हैं, इससे इनका डाइजेशन शायद कुछ रहता है कि डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। ऑल्दो हम लोग बहुत ज़्यादा खाने नहीं देते हैं, थोड़ा सा खाता है। और ये प्रॉपर इसकी डीवर्मिंग भी चलती है इसलिए कृमि का ऐसा कोई लोड नहीं है। तो रोवर मस्त सैर कर रहा है, ग्रीनरी के मज़े ले रहा है ना। ही एंजॉयज वॉकिंग। ये खींचता भी है बहुत। तो यहाँ पे हार्डली 3-4 बार यू नो पूरे दिन बारिश हुई है और ये पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ड्रीम में हूँ। ये कोई फिल्टर नहीं है, ये मेरे फ़ोन के सामने कचरा लग गया है इसलिए ऐसा हो गया है। सो लेट मी क्लीन माई कैमरा। तो रिसेंटली गाइज अभी जयपुर में एक इंडो जर्मन कपल रहते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। जो लड़का है उसका नाम अर्जुन है और जो लड़की है उसका नाम जूली है। उन दोनों के पास दो प्यारे बच्चे हैं, ऐसे पेट है, और वो लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। एंड वो सोसाइटी में अपने डॉग्स को घुमा रहे थे एंड वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं दे ऑल वेयर ऑब्जेक्टिंग। और इतना ज़्यादा हरासमेंट हुआ है उन लोगों का उस चीज़ को लेकर। आई मीन एक आदमी तो लिटरली यू नो हॉकी स्टिक लेके ऐसे अटैक करने आ गया था उन पर। वो लोग यस प्रॉपर हाथ में पॉटी पिकर भी था, पॉटी करा के वो लोग क्लीन भी कर रहे थे, फिर भी उनको हरास किया गया और मना किया गया और बोला गया कि उनके जो डॉग्स हैं उनको लात मार देंगे अगर वो लोग ऐसा करते रहे तो। दिस इज़ सो क्रूअल। आई मीन ऐसा लॉ नहीं है कहीं भी कि आप किसी को ऐसे यू नो मना कर सकते हो, है ना। हम लोग तो ऐसे ओपन एरिया में रहते हैं इसलिए हम लोग ऐसे करा के छोड़ भी दें तो चलता है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है। बट कई लोग हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप उसको ऐसे मना नहीं कर सकते किसी को। सो रोवी इज पूपिंग हियर। तो यस एज आई वाज सेइंग, आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो अगर आप अपने डॉगी का पॉटी पूरा पिक कर रहे हो, स्कूप कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो। उस उन कपल्स को इतना ज़्यादा हरास किया गया, ओ माई गॉड। और वो जो लड़की है वो जर्मनी से है। इतने सारे रेसिस्ट कमेंट्स किए गए गाइस कि ये हमारे मतलब वो लोग व्लॉगर हैं ना तो ऑब्वियसली दे हैव अ हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। तो बार बार उनके रिकॉर्ड करने पर ऑब्जेक्शन हो रहा था, उनको बोला जा रहा था कि आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, हमारे हिंदू सभ्यता में नहीं है ऐसा वैसा। मतलब यार इंडिया में कितने यूट्यूबर्स हैं तो वो लोग क्या व्लॉग बना रहे हैं, मतलब वो हिंदू सभ्यता में नहीं आता क्या।
तो ऐसे बहुत सारे रेसिस कमेंट्स कि तुम यू नो फॉरेन कल्चर अपना यहाँ पे ला रही हो ये वो, जबकि वो जो लड़की है मेरे से ज़्यादा इंडियन है मुझे ऐसा लगता है। वो डेली बेसिस पे साड़ी पहनती है एंड शी फॉलो ऑल द इंडियन ट्रेडिशंस, शी इज़ सो क्यूट। मैं उसको बहुत पहले से फॉलो करती हूँ, अर्जुली व्लॉग्स है, अभी तो वो नया है, उसके पहले जूली करके था, नमस्ते जूली करके उनका जो इंस्टा में अकाउंट है वो ऐसा, इंस्टा नहीं सॉरी यूट्यूब में जो अकाउंट है वो उस नाम से है। तो दिस इज़ सो रॉन्ग कि ऐसे उनको हरास किया गया, और ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और वहाँ की जो औरतें थी, ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा अब्यूज़ कर रही थी। फिर एक और कमेंट पास किया गया, वो जो माननीय अंकल जी थे वो बोल रहे थे कि इसने कैसे, मतलब जो लड़की है उसने कैसे गाली निकाली लड़की होके। तो एक्चुअली चालू ऐसा हुआ था कि वो अंकल ने ही पहले आके यू नो ऐसे कॉलर वॉलर पकड़ने लगे उसका, और फिर यू नो ऐसे पुश करने लगे, और फिर इमिडिएटली दूसरा एक आदमी तुरंत अंदर जाके बाहर आया चाबी लेके और गाड़ी खोल के सीधा हॉकी स्टिक निकाल ली उसने। तो अब अगर कोई भी आपके पार्टनर पे हॉकी स्टिक से अटैक करने आएगा तो क्या आप उसकी आरती उतारोगे? ऑब्वियस सी बात है, विल गेट डिफेंसिव। तो वही उसने किया, और उससे पहले वो अंकल ने इतनी गालियाँ बकी थी, मतलब सारी यू नो माँ बहन की गालियाँ बकी, तो वो लड़की ने भी रिपीट कर दी। तो क्या आप अंकल हो के गाली दे सकते हो, वो लड़की हो के गाली नहीं दे सकती? ये कहाँ का रूल है? ऐसे ऐसे उसके बाद पुलिस की इतनी ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, काम चोरी, और इतना ज़्यादा अब्यूज़ ऑफ पावर हुआ है ना कि वो अंकल जो थे वो जज थे, तो उन्होंने पूरा अपना पावर यूज़ किया इन लोगों को हरास करने के लिए। एंड पुलिस वही होती है ना कि जान पहचान में, उनके घर गए है ना, जबकि ये लोग एक डेढ़ घंटे से दे वर रीचिंग आउट टू द पुलिस, उनके पास नहीं आए, और पूरे दिन उनके घर पे जाके इतना ज़्यादा आतंक मचाया इन लोगों ने, मतलब पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया। और ये सब बहुत यंग लड़कियों ने किया है ना, ऐसे नहीं कि गुंडे लेके आए थे, बहुत यंग लड़कियां जो उस सोसाइटी में रहते हैं उन्होंने किया था, पूरा दरवाज़ा तोड़ा है और उनकी खिड़की से पूरा पेड़ वेड़ गिरा दिया। और पता है उन लोगों ने क्या किया, वहाँ उनके घर के बाहर एक गणेश भगवान की आइडल थी, उसी को उठा के अटैक किया, उसी से मतलब उन्होंने खिड़की तोड़ा। इमेजिन, अब यहाँ पे हिंदू कल्चर नहीं आता है, आप गणेश भगवान को एक पत्थर की तरह यूज़ कर रहे हो। तो बहुत सारी हिपोक्रेसीज थी, बस अपना रौब झाड़ने। और ये है ना, बहुत होता है कि सोसाइटी में जो ओनर्स होते हैं वो अपने ओनर होने का बहुत ऐसा धौस जमाते हैं और टेनेंट्स को इरिटेट करते हैं। मैं लकीली अभी जिस सोसाइटी में रहती हूँ सारे बहुत अच्छे हैं, बट पहले के हमारे भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। हम जब रहते थे पहले जहाँ, वहाँ पे हमको लिफ्ट में मना किया जाता था कि आप रोवर को लिफ्ट पे नहीं लेके जा सकते। कुछ लोग तो ऐसे टॉन्ट मारते थे कि अच्छा ठीक है, कल से मैं भी गाय को लेके आऊँगा, बकरी को लेके आऊँगा, ये वो, जबकि रोवर वेल ट्रेंड है, ऐसा कुछ भी गंदा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। तो सारी तोड़ फोड़ उनके घर पे हुई, मतलब द कपल्स जो इंडो जर्मन कपल हैं उनके घर पे सारी तोड़ फोड़ हुई, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया। और बहुत देर के बाद, इनके कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस किसके घर आई? उस जज के घर आई। और आने के बाद भी क्या हुआ, उस लड़के को जेल में डाल दिया। 2 दिन की ये पूरी स्टोरी है, आप उनके पेज पे जाके वो ब्लॉग देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। 4 ब्लॉग है, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो एक दिन ये इंसिडेंट होता है, उस दिन ये बंदा कंप्लेंट, मतलब FIR करने जाता है कि किसी ने मेरे पे फिजिकल अब्यूज़ किया है। 3 बार जाता है वो पुलिस स्टेशन, पहले तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती, उसे बोलते हैं कंप्लेंट आप एप्लीकेशन लिख के दो। 3 बार जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ यू नो एक्सक्यूज मारते हैं। फाइनली जाके उसका जब एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे दिन ये कांड हो जाता है कि वो लोग पूरी अपनी यू नो टोली बना के एकदम रेडी रहते हैं अटैक करने, जब वो लोग घुमाने निकल रहे होते हैं। तो ये बहुत यू नो अजीब बात है, हमें मूवीज़ में तो देखने को मिलता है पुलिस कितने एडिक्वेटली काम करती है बहुत अच्छे से, लेकिन जब रियलिटी में पल्ला पड़ता है आपका पुलिस के साथ, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ जगहों की पुलिस बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती, या उनके जान पहचान के कोई बहुत ऐसे पावरफुल लोग होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे पुलिस ऐसी होती है, आई नो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो पुलिस में है वो ऑनेस्टली अपना काम करते हैं, बट इस तरह के सिनारियोज देख के ना बहुत दुख होता है और बहुत डर भी लगता है। हम लोग तो यार नॉर्मल लोग हैं, हमें कौन ज़्यादा जानता है, और अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया, मैं और प्रीतेश तो ऐसे ही हैं, हमेशा हम बाहर ही रहते हैं, मतलब इसकी पोस्टिंग होती रहती है तो हम कभी भी एक जगह ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं।
तो हमारे नेबर्स ही हमारे फैमिली होते हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसे इंसिडेंसेस हो तो बहुत डर लगता है यार कि मतलब किसका फिर सहारा लेंगे इंसान, है ना। पुलिस पे ही ट्रस्ट करता है, अपने जुडिशरी पे ही ट्रस्ट करता है, वो इस तरह से मतलब बिहेव करेंगे तो कैसे होगा। ये सब मैं ना सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप उनका व्लॉग्स जाके देखो, उनको सीसीटीवी कैमरा का भी पूरा वीडियो सोसाइटी वालों ने प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। वो तो इन्होंने ट्विटर पे कैंपेन चलाया और वो लोग इतने मतलब यू नो अच्छे खासे यूट्यूबर्स थे करके इतना मतलब यू नो उनको सपोर्ट फिर भी मिल गया, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को क्या सपोर्ट मिलेगा। ये बहुत स्कैरी है और ये एक एक्चुअल में एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जिसे एड्रेस करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता कि रूल्स क्या हैं पेट्स को लेकर, है ना, और ऑब्जेक्ट करते हैं लोग, समझते हैं कि गंदा होता है कुत्ते को रखना और यू नो उसके पॉटी को ये वो, मतलब बहुत घिन आती है लोगों को। बट ऐसा नहीं है, हम भी रखते हैं डॉगी और हमें पता है उसकी केयर क्या है, हम पूरा उसको क्लीन करते हैं। तो ऐसे कोई करे तो इट्स वेरी रॉन्ग और पुलिस पे अभी भी सबको भरोसा है, ये हाईलाइट हुआ बहुत अच्छी बात है। वहाँ जो भी पुलिस वालों ने ये किया है ना, मतलब जान पहचान का फ़ायदा उठाने का कोशिश, उनको बिल्कुल इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए। इनका हैशटैग है जस्टिस फॉर जूली, तो उस पर जो रेसिस्ट कमेंट किए गए मुझे तो बहुत बुरा लगा देख के, क्योंकि कैसा लगेगा अगर आप एज एन इंडियन आप अगर कहीं फॉरेन कंट्री में हो और आपके साथ ऐसा बिहेवियर करें, कोई इतना ज़्यादा आपको परेशान करे, तो आपको कैसा लगेगा। तो हमारे देश में कोई बाहर का रहता है, हमें उसे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। एक बहुत गलत मैसेज गया है, आई मीन सारे फॉरेनर्स को भी जो यहाँ रहते हैं, ये बहुत बुरी बात है क्या उनको इतना डराया और धमकाया जाता है, जबकि वो कितना ज़्यादा इंडियन ट्रेडिशन को वैल्यू करते हैं, कितना ज़्यादा यू नो उसको मानते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हम बाहर जाएंगे तो ये बिहेवियर बहुत रूड है, नहीं करना चाहिए। तो जितने भी जो यंग लड़कियां हैं ना जो गुंडी बनी फिर रही थी वहाँ पे, उनके पेरेंट्स पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आप क्या मैसेज दे रहे हो अपने बच्चों को, आप क्या सिखा रहे हो कि जहाँ आप सही भी नहीं हो आप बस किसी के घर पे ट्रेसपासिंग करना सिखा रहे हो, उनको गाली गलौज करना सिखा रहे हो, हाथ उठाना सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो आप, कितना गलत मैसेज आप अपने बच्चों को दे रहे हो, है ना। तो जब आप ऐसा बिहेव करते हो आपके बच्चे भी आपसे वही सीखते हैं। तो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ बट ओनली वेन यू आर राइट, बट इफ़ यू आर रॉन्ग एक सॉरी बोल दो यार, सब ठीक हो जाएगा। इतना गुंडागर्दी करके क्या मिल जाना है। आज से ये यूट्यूबर्स थे तो सारी बात सामने आ गई, ऐसे कितनों के साथ होता होगा जो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं और उनको कितना फंसाया जाता होगा। पुलिस स्टेशन उस बंदे को लेके गया और वहाँ पे उसे पूरी एक रात रखा गया, दूसरे दिन सुबह 11 बजे वो रिलीज हुआ। मतलब किस लिए उस पर FIR किया गया था, तोड़ा फोड़ी उसके घर पे हुई, सब कुछ हैरास वो लोग हुए, फिर भी जेल कौन गया, वो गया, है ना। ये बहुत गलत है और जेल जाने के बाद भी उसका फ़ोन ले लिया गया, है ना। वो आप वो व्लॉग जाके देखो, इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब मेरे को तो देख के ही गुस्सा आ गया कि उसे रात भर वहाँ रखा गया, उसके रिलेटिव्स मतलब उसकी वाइफ को वहाँ पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया, ठीक है। फिर पुलिस दो पुलिस रखे गए थे उसके घर के सामने प्रोटेक्शन के लिए, जिनकी चापलूसी वो जज के और वो पूरे अड़ोसी पड़ोसी लोग उनको चाय पिला रहे हैं, उसकी वाइफ क्या क्या कर रही है उसके बारे में सारी खबर ले रहे हैं, है ना। और एक और वियर्ड चीज़ हुई थी, सोसाइटी वालों ने जूली को उसके रिलेटिव से मिलने नहीं दिया, ऐसा रूल बना दिया कि आप एंटर नहीं कर सकते सोसाइटी, सिर्फ और सिर्फ वो अर्जुन के जो यू नो रिलेटिव हैं वो आ सकते हैं। तो यार जूली की शादी अर्जुन से हुई है तो ऑब्वियसली बात है अर्जुन के जो भी रिलेटिव्स है वो जूली के भी हो जाएंगे, तो उनके पेरेंट्स को भी आने नहीं दिया जा रहा था, विच इज़ सो रॉन्ग, है ना। ये कैसा रूल है भाई, आपको आपको प्रोटेक्ट करते हैं नेबर्स, अब नेबर्स ही जब आप पे अटैक करें तो आपकी फैमिली वाले नहीं आएंगे, उनको भी आने से मना कर रहे हो। तो कुछ भी मनमानी चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी, विच वॉज सो रॉन्ग। जब भी कोई ऐसी जगह आप रहते हो जहाँ पे आप टेनेंट हो तो आपको ऑब्वियसली बात है ऐसे इंसिडेंसेस देख के डर लगता है कि ओनर्स अपने राइट्स जताते हैं कि ये हम ओनर हैं, हम ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, और टेनेंट को मतलब यार हम टेनेंट हैं क्योंकि हम अभी यहाँ रह रहे हैं, है ना, हमारा यहाँ घर नहीं है। बट हमारे जो फादर्स हैं वो लोग खुद तीन तीन घर के यू नो ओनर्स हैं और हम भी लोगों को रेंट पे देते हैं घर। तो हर शहर में हर जगह एक घर तो इंसान नहीं बना सकता ना, तो रेंट पे रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि वो चिंदी है ना। तो टेनेंट को भी रेस्पेक्ट करो, उसकी अगर उसको
ये बहुत होता है, नॉट ओनली पेट्स, बहुत सारी चीजें, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, आप तो टेनेंट हो, आपको तो अलाउड नहीं है, ऐसा क्यों? आप टेनेंट है वो अपने घर जो है वो खाली होता है ना, जो एक चार दीवारी को घर बनाना पड़ता है उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है तो वो करते हैं। टेनेंट से इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बस ऐसे ही जैसे तैसे जिएंगे, अच्छे से जिएंगे ना यार। यस, आज का व्लॉग मैं यही एंड करूंगी। आई विल प्रे कि उनको जस्टिस मिले, एंड मैं उनका व्लॉग डेली चेक करती हूँ, एंड उनको जस्टिस मिलना चाहिए। आई स्ट्रांगली सपोर्ट देम, एंड दे हैव ऑल्सो पोस्टेड इट दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आज शायद 10 दिन जैसा हो चुका है, एंड अभी तक क्या है कुछ अपडेट आया नहीं है, है ना। कोई न्यूज़ चैनल भी उसे कवर नहीं कर रहा था, इतने बड़े मतलब इंसिडेंट को कवर नहीं, मतलब क्या है, कुत्ते ने पॉटी कर दी इसलिए कोई भी आके मार देगा। यस, दैट इज इट, आज ये था मुझे शेयर करने के लिए। और इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और उसी के बगल में एक बेल बटन होता है वो भी दबा देना, उससे आपको मेरे किसी भी वीडियो के आने का नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक व्हाट आई पोस्टेड, एंड यस, हैव अ ग्रेट लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, टाटा। Run. I'll see you guys in the court, every whole family. क्या है ये, क्या है ये, क्या है, क्या है, आप कौन है, आप कौन है, कौन है आप, बकवास। There was no reason behind that. You touched my phone and you touched me. You touched me, Kimki. You see my phone. My God. Fucking calls, there is no police. Like everybody is busy.